how to fix Indus Direct app not responding and black screen problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है Indus Direct app का ये जो प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, कभी कभार हमें ऐप के अंदर पे इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम ऐप को यूज़ कर रहे हैं, ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेटा वगैरह इंक्रीज़ होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐप में बग आ जाते हैं और साथ ही साथ आपका ऐप डेटा जो है क्रश करते हैं कभी कभार, या फिर आपका ऐप डेटा जो है करप्ट हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से ऐप के अंदर पर इस तरीके का प्रॉब्लम ऑक्योर्ड होते हैं, ठीक है। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम होते भी है और हम उसको फिक्स भी कर सकते हैं। फिक्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो आपको वो सॉल्यूशन फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन होगा, किस तरीके से होगा, कैसे करना है, वो सब कुछ आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप रिसेंड बटन पे क्लिक कीजिए, क्लियर ऑल कर दीजिए आपके ऐप्स को, कम्प्लीटली ऐप रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल रिस्टार्ट होगा, ऐप को ओपन कीजिए और चेक करके देखिए, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है प्रॉब्लम सॉल्व तो दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर में, सर्च करना है Indus Direct ऐप। सर्च करने के बाद दोस्तों उस ऐप को अपडेट करना है। अपडेट करने से अगर ऐप मिसबिहेव कर रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऐप में लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, लेटेस्ट फीचर आया हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऐप में बग है तो वो फिक्स हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर आपका ऐप डेटा में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका ऐप डेटा क्रश कर रहा है या फिर यहाँ पे ऐप डेटा जो है बिगड़ गया है, तो वो सारे प्रॉब्लम आप अपडेट करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपडेट करें, उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करें। रिस्टार्ट करते ही दोस्तों आप ऐप को ओपन कीजिए, आई एग्री करके आप ऐप को चला के देखिए, दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते तो फॉलो कीजिए नेक्स्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन करने के लिए दोस्तों आपको जाना है सेटिंग, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप एंड नोटिफिकेशन। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे ऐप एंड नोटिफिकेशन, मैनेज ऐप, इंस्टॉल ऐप, ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप्स करके ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाइए, उसके बाद Indus Direct को ओपन कीजिए, फोर स्टॉप कीजिए और ओके कीजिए। उसके बाद जाइए दोस्तों स्टोरेज एंड कैश, और यहाँ पे क्लियर स्टोरेज ओके कर देना है। ये करने के बाद आपको परमिशन पे जाना है, दो परमिशन से परमिशंस को अलाउ कीजिए। परमिशंस अलाउ करने के बाद मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पे जाए, उसके बाद आपको चेक कर लेना है आपका बैकग्राउंड डेटा इनेबल है या नहीं है, और मोबाइल डेटा का जो एक्सेस है वहाँ पे होना चाहिए, और अगर आप वाईफाई से यूज़ करते हैं तो वाईफाई के एक्सेस भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग के हिसाब से वहाँ पे सेट कर लीजिए, और उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करके ऐप को चला के देखिए, दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। कई लोगों का जो प्रॉब्लम रहते हैं वो दोस्तों इतना में सॉल्व हो जाते हैं कम्प्लीट तरीके से, ठीक है। तो आपका भी सॉल्व हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम, अगर सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों आपको फॉलो करना है नेक्स्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट दोस्तों हमारा यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन होगा, तो आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या सॉल्यूशन है दोस्तों, आप जाइए प्ले स्टोर में और यहाँ पे ऐप को रीइंस्टॉल कीजिए। रीइंस्टॉल करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है, अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर पे जाके अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जाना है सेटिंग, एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा सिस्टम, और सिस्टम अपडेट कर लीजिए। जैसे ही सिस्टम अपडेट होगा आप जाइए प्ले स्टोर में और ऐप को रीइंस्टॉल कीजिए,
ठीक है। जैसे ही दोस्तों आपका ऐप रीइंस्टॉल हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो इंडस डायरेक्ट ऐप का प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।